वाज टेकिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैंने उनको एक ही चीज पूछा कि व्हाई यू आर इनटू डायरेक्ट सेल, एंड उन्होंने बड़ा एक पेज पे प्रॉब्लम्स लिख रखे थे। तो मैंने कहा बॉस एक सिंपल चीज समझना, अगर आप प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग करना चाह रहे हैं तो बेसिक एक चीज समझ लीजिए, इफ यू कैन बी अ सेलिब्रिटी, इफ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिग बिजनेस एंड इफ यू कैन गो इन सम गुड पोजिशंस, बॉस डायरेक्ट सेलिंग एक सेकेंड आपके लिए ऑप्शन है। बट इफ यू आर इन टू अ विस्कस सर्कल, कि अब एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है, अब मैं ना डांसर बन सकता हूँ, ना एक्टर बन सकता हूँ, ना क्रिकेटर बनने की स्कोप बचा है क्योंकि कुछ स्टडीज कर ली, कुछ चुन लिया था रास्ता, तो बॉस जहां प्रेजेंट लाइफ है, जहां पे अभी भी ऑलमोस्ट 90% लोगों का एग्जिस्टेंस है, अगर वो लोग अभी भी ग्रो करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और यहीं से दिस इज सॉल्यूशन टू दोज 90% पीपल, नॉट एवरीवन, नॉट 100% पीपल। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग अंबानी का सॉल्यूशन नहीं है सर। अब अंबानी भी इवेंचुअली उस कंपनी में नहीं है जिस कंपनी को छोड़ के लोग बर्बाद हो जाते हैं, अंबानी भी उसका हिस्सा नहीं है बाई चांस। तो अब जो है सर, वो जो 10% लेयर अपने लिए सब कुछ कर सकती है, कैपेबल है, रिसोर्सफुल है, उसके अलावा 90% लोग हैं जो कैपेबल तो हैं लेकिन एक दो बेसिक चीजों की बहुत मिसिंग है, जैसे आइडिया है, मेहनती हैं, एजुकेटेड हैं, कैपिटल नहीं है। सेकंड थिंग, जब एज थी तब माँ बाप के पास पैसा नहीं था, पढ़ते रहे, क्रिकेटर बन सकते थे, बट उस एज में माँ बाप के पास फंडिंग नहीं थी, सोर्स नहीं था, लेकिन ये लोग अभी भी कैपेबल है। एक आदमी क्रिकेटर बन सकता है तो और भी बहुत कुछ बन सकता है लाइफ में, एक आदमी एक्टर बन सकता था तो बहुत कुछ कर सकता है, यानी कुल मिला के हार्डवर्किंग पर्सन। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग सर्व्स अ पर्पस। अगर हम यहाँ पर इस माइंडसेट के साथ लोगों को इन करें, उनको एजुकेट करें, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निकलिटीज बताएं, क्या इसमें हासिल कर सकते हैं, कितने टाइम में हासिल किया जा सकता है, उनको बहुत क्लियर वाई करें, प्रोडक्ट पे एजुकेट करें, देन उनको बताएं कि ये बिजनेस किस तरीके का है,